प्रोटीन रिच यह चीला बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है 70 ग्राम, और उसके अंदर मैंने अदरक डाल दिया पीस के, और अजवाइन, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है, और उसके बाद पानी डाला है। पानी जो है वो इतना डालना है थोड़ा सा पतला घोल बन जाए, इसको हाथ से फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये ऐसे पतला पतला सा चीला बनेगा, और फिर थोड़ी देर बाद जो है इसको ऐसे राउंड शेप दे दें, और फिर थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आप चाहें तो पहले जो है पनीर को कद्दूकस करके डाल दें, नहीं तो पहले दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा पका लें चीले को, एक साइड से पका के फिर दूसरी साइड चेंज कर दें, और उस साइड पे आप ये पनीर को डाल दें, और उसके बाद में उसके ऊपर तेल डाल दें, धनिया डाल दें, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, और इस चीले को आप सलाद के साथ में चटनी हरी जो भी आपकी मनपसंद लाल हरी चटनी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय करें। बहुत ही यम्मी बनता है। दोनों साइड से स्लो गैस पे ही बनाएं इस चीले को, तभी ये चीला बहुत ही करारा बनेगा।